रोशनी आई तो उस टाइम हमने फिर उनके बैग जो थे वो हमने देख लिए। उस टाइम रोशनी थी, लाइट थी, तो वो बैग निकाले एक भाई ने बाहर, उसका नाम है शबीर अहमद। तो उसके बाद फिर मैं गया तो वो पीछे उठ गया नींद से। नींद से जब वो उठा तो उसने सीधी छलांग लगाई इधर, मैं गिरा पीछे दरवाजे के साथ। पीछे से था सर दूसरा भाई का लड़का, उसने उसको फिर थोड़ा रोक लिया, नहीं तो वो भाग गया था उस टाइम। फिर जाके दूसरा सर चाचे का लड़का था, उसने फिर वो भी आया। फिर रस्सी भी उधरी थी सर भैंस की, उसके साथ जल्दी जल्दी में पलटा सर। तो फिर मैंने ऐसे बोला कि फायर करो, बाहर आर्मी वाले हैं, फायर करो। तो वो डर के मारे से लेट गए। जब वो लेट गए सर तो बस उसके बाद फिर उनको बांधा। तो एक जो था वो छोटा, तो उसको 6 साल से वो बो रहा था, 6 साल हो गए मुझे। तो दूसरा वाला जो वो बहुत ख़तरनाक था सर, उसने बोला कुछ सर अटैक किया। फिर जाके बांध के तो फिर रख दिए। तो फिर सर हमने SDPO साहब को फ़ोन किया, तो वो जल्दी जहाँ पे 2 घंटे लग रहे थे ना सर पैदल चलने का, वहाँ पे SDPO साहब ने 1 घंटा दिया टोटल। उसके बाद उसके साथ साथ आ गई पुलिस भी, आर्मी आई साथ साथ सर। तो पहले SDPO साहब पहुँचे वहाँ पे, तो वो भागने वाला था, लेकिन हाँ हमने बहुत से रखा वो बांध के सही अच्छी तरीके से। तो जा किन का सर, मैंने सर उनके पास देखा, जो SDPO साहब आया उसी टाइम हमने देखा, उसे आगे हमने देखा नहीं। SDPO साहब आया, उसने वहाँ पे खोला, तो वहाँ पे निकला 2 गन, 1 पिस्टल, 7 ग्रेनेड, तो 3 मोबाइल, तो बस बाकी और कुछ नहीं निकला। उसने यही कपड़े छपड़े थे अपने, और कुछ खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम रखा था उन्होंने।